अच्छा, आज तुम्हारा भाई कुछ एक ऐसी टिप्स बताने वाला है प्रोफाइल पे अपलोड करने के बारे में, जो कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो लड़कियां दीवानी हो जाएंगी और पागल हो जाएंगी आप पे, क्योंकि लड़कियां कहाँ पागल ज़्यादा होती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, वेदर अगर आप उसको देख लें, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, अब टिंडर विंडर भी है, तो अगर आप डेटिंग ऐप का यूज़ करते हैं तो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए प्रोफाइल पे कैसे अपलोड करते हैं, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि फ़ोन उठाया, कैमरा है, खींच ली, फोटो डाल दी और लड़की पट गई, अरे घंटा, ऐसे नहीं होता, बहुत सारी अनेक चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें हैं ध्यान में जरूर रखो। सबसे पहली चीज कि डोंट हाइड योरसेल्फ, वो फोटो तुम्हारे लिए है, प्रोफाइल पिक तुम्हारी है, नाम तुम्हारा है वहां प्रोफाइल पे, तो खुद को दिखाओ ना। पीछे के वो पेड़ पौधे क्यों दिखा रहे हो, पीछे की चीजें इतनी क्यों दिखा रहे हो, पहले अपने आप को क्लियर दिखाओ, उसके बाद बाकी की चीजें दिखाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, या तो इतनी ज्यादा एडिटिंग कर देते हैं, इतने फिल्टर्स लगा देते हैं कि पहली बात तो हम वो दिखते ही नहीं है जो हम हैं, जो कि बहुत जरूरी है, और दूसरी बात या तो हम एंगल ऐसा बना लेंगे, आजकल तो बहुत ज्यादा वो चला है ना ट्रेंड कि हम इधर देखते हैं उधर देखते हैं, मतलब रैंडम पिक क्लिक करवानी होती है, कौन सा वर्ड होता है उसका, कैंडिड करके, फेक कैंडिड करके, तो वो ऐसे वर्क नहीं करता ब्रो, वो होता है तो हो ही जाता है, लेकिन तुम खुद मत करो इधर उधर देख रहे हो, नहीं भाई, मतलब ढंग से दिख जाओ यार, अपने आप को दिखा दो इंसान को, मतलब अच्छा लगेगा। और अगर पास की फोटो है तो गॉगल्स पहनने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरीली ये सब मत पहनो, ये आपके आई कॉन्टेक्ट को हटा देती है। देखो, जब हम मिलते और आई कांटेक्ट करते हैं तो ऑक्सीटोसिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, ठीक है, वो जो रिलीज होता है तो हमें अच्छा लगता है, हमें अट्रैक्टिवनेस फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, राइट। तो ऐसा आपको करना है, जब भी पास आप क्लिक कर रहे हो, सेल्फी ले रहे हो, तो गॉगल्स मत पहनो, ढंग से अपनी आंखों को दिखाओ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है अट्रैक्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर टू, देयर शुड बी अ स्टोरी बिहाइंड योर पिक, आपके पिक के पीछे कोई स्टोरी होनी चाहिए, वो कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए, आपके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो कि दिखनी चाहिए। कोई स्टोरी कैसे होनी चाहिए, जैसे कि वो दिखाए कि तुम बहुत ही पैशनेट बंदे हो, अगर तुम्हारे हाथ में गिटार है तो ये दिखाएगा कि तुम गिटार के बहुत ही शौकीन हो, गाने बजाने के बहुत शौकीन हो, सिंगिंग तुम्हें पसंद है, गिटार प्लेइंग तुम्हें पसंद है, एटलीस्ट कुछ पसंद है। अगर तुम कुकिंग कर रहे हो तो तुम कुकिंग के शौकीन हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो तो तुम्हें ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, हाइकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ करते हुए दिखाओ, ऐसा नहीं कि अपने आप को दिखाओ, कुछ करते हुए दिखाओ, येट अपने आप को क्लियर दिखाओ। तुम चाहो तो जिम फ्रीक अगर अपने आप को दिखाना चाहते हो तो जिम के दिखा दो वर्कआउट करते हुए, तुम चाहो तो ये भी दिखा सकते हो कि तुम पेट लवर हो, हाथ में कोई छोटा सा पपी ले लो, जो कि लड़कियों को बहुत पसंद आता है। और तीसरी चीज जो कि प्रोफाइल पिक से रिलेटेड नहीं है, बट ये एक बायो से रिलेटेड है, मतलब एक बायो से क्या, बायो से रिलेटेड है, तो आपको बायो अच्छा अपना आपको रखना चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं या टेंडर यूज कर रहे हैं, तो वहां पर बायो का ऑप्शन होता है, व्हाट्सएप पे भी बायो का ऑप्शन होता है, तो आप चाहें तो वहां भी लगा सकते हैं। पहली चीज की ज्यादा वो फैंसी चीजें मत करना कि वो केक किलर और पता नहीं क्या क्या होते हैं, केक मर्डरर और पता नहीं कौन कौन से फ्रेजेस हैं, तो ये बहुत ज्यादा बकवास लगता है, ये लगाने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आप जो शायरी वगैरह लगा देते हैं ना, वो हिंदी फॉन्ट में, वो भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत रद्दी और बकवास लगता है, लड़कियों को पसंद नहीं आता। सिंपल अपने बारे मेंशन करो, बायो तुम्हारे लिए है, बायो मतलब कि तुम कौन हो क्या हो, लोगों को देखने पर पता लग जाए। और अगर आप डेटिंग एप्स पे हो तो वहां पर 70-30 रूल फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप 70% अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो, 30% ये बताओ कि तुम्हें कैसा बंदी चाहिए। तो ये थी तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप किसी डेटिंग साइट पे हो, या अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू लड़कियों को अट्रैक्ट करना चाहते हो। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।